नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना का कहर अपने चरम पर पहुंच गया है। हर रोज लाखों कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक लाखों लोगों को कोरोना मौत की नींद सुला चुका है। पिछले महीने भारत में कोरोना के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हुई, जिसमें कई बड़े नामों के साथ दो बड़े पत्रकारों ने भी कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा दी। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 165 भारतीय पत्रकार कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना के चलते हुई पत्रकारों की मौत पर दुख जताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, जो 24 घंटे तुम्हें दिखाते हैं उनकी हालत एक बार तो देखो। आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 165 पत्रकार कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। अप्रैल में हर रोज लगभग दो पत्रकारों की जान गई है। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली आधारित धारणा अध्ययन संस्थान के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से 28 अप्रैल 2021 तक कोरोना के चलते कम से कम 101 पत्रकारों की मौत हो गई। इसके अलावा जनवरी 2021 के बाद से कोविड के चलते 50 से ज्यादा पत्रकारों का निधन हो चुका है। धारणा अध्ययन संस्थान के मुताबिक पिछले 4 महीनों में 56 पत्रकारों की कोरोना से मौत हुई है। इनमें से 52 मौतें अकेले अप्रैल के महीने में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से 28 अप्रैल 2021 के बीच 101 पत्रकारों की मौत हुई। 1 अप्रैल 2021 से 28 अप्रैल 2021 तक 52 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। इन मौतों में से 19 पत्रकारों की मौत उत्तर प्रदेश, 17 की मौत तेलंगाना और 13 पत्रकारों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। इस अध्ययन में उन पत्रकारों को भी शामिल किया गया था जो खबरों के क्षेत्र में स्ट्रिंगर, फ्रीलांसर, फोटो जर्नलिस्ट और सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।